ये सब आप दोनों की एक चाल है मुझे फंसाने के लिए। कप्तान की ये बात सुन शिखर और रवि की मानो दिल की धड़कनें रुक गई हों। प्लान फेल होने के गम में दोनों के चेहरे पर मायूसी छाने ही वाली थी कि कप्तान अपनी बात जारी रखते हुए बोला, तब से मुझे यही लग रहा था, मगर ये रिंग देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि वो दोनों मुझे धोखा दे रही है। ये सुन शिखर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर चैन की सांस लेता है। कप्तान अपना सर नीचे झुकाए रोए जा रहा था। शिखर चेहरे पर गंभीरता और आवाज में भारीपन लाते हुए बोला, साफ साफ बताओ क्या बात है। कप्तान धीमी सी आवाज में कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है सर, किसी अनजान पर भरोसा करके। शिखर कहता है, इस गलती का प्रायश्चित करने का बस एक मौका मिलेगा तुम्हें। कप्तान सर हिलाते हुए बोला, आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। शिखर रवि की ओर मुड़ उसे कहता है, जाओ और उन दोनों को बुलाकर ले आओ। दोनों मॉडल्स होश में आ गई थी। दोनों को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनकी आंख कैसे लग गई। तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। रवि कमरे के अंदर आकर कहता है, शिखर तुम दोनों से सबके सामने माफी मांगना चाह रहा है, डेक पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शिखर की पार्टी में आए सारे मेहमानों के साथ स्टाफ भी इंतजार कर रहे हैं, सबको बुलाया गया है। एरिका और निधि भी वहां आती हैं और उन्हें देखकर शिखर आगे बढ़ते हुए कहता है, आखिरकार जिनका सब इंतजार कर रहे थे वो आ ही गए। शिखर निधि का हाथ पकड़ डेक के बीचों बीच लाता है और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहता है, कल रात इस डेक पे जो भी हुआ, मैंने नशे की हालत में जो भी किया, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। शिखर अपनी आवाज भारी करते हुए बोला, खासकर निधि और एरिका से, जिनको मैंने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। मैं ये बात आप सबके सामने कबूल करना चाहता हूँ कि कल नशे की हालत में मैंने निधि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, और शहर के पास पहुंचते ही मैं पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूलने वाला हूँ। कल जो हुआ वो बदल तो नहीं सकता, बस माफी मांग सकता हूँ। शिखर निधि का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए उससे पूछता है, क्या कल जो भी हुआ उसके लिए तुम मुझे माफ कर पाओगी। निधि बिना कुछ बोले ही हामी भरते हुए अपना सर हिलाती है। निधि को कुछ समझ नहीं आ रहा शिखर आखिर क्या करना चाहता है। मुझे पता है माफी मांगना काफी नहीं, इसलिए अपनी तरफ से एक छोटा सा तोहफा भी देना चाहूंगा इन्हें। शिखर ये बोल कप्तान की तरफ इशारा करता है। शिखर के इशारे पर कप्तान अपने हाथ में बैग लिए हुए निधि की ओर बढ़ने लगता है। ये देख वहां खड़े सभी हैरान हो जाते हैं। एरिका को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि शिखर भला सबके सामने उन्हें पैसे क्यों देना चाह रहा था। अनन्या बगल में खड़ी बबीता से पूछती है, ये क्या हो गया शिखर को, भला इस बात के लिए वो तोहफा क्यों दे रहा है इन्हें। बबीता भी दूसरी ओर नजर फेर तंज कसते हुए कहती है, बैग में जरूर पैसे होंगे, सबके सामने उन्हें पैसे दे रहा है उन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए, हिम्मत तो देखो इसकी। शिखर भी ये सोचकर मुस्कुरा रहा होता है कि अब बस मुझे खड़े होकर आगे का खेल देखना है। एरिका कप्तान से वो बैग उससे लेने आगे जाती है कि कप्तान उसे अपना हाथ दिखा रोकते हुए कहता है, ये निधि जी के हाथों में देने को बोला गया है मुझे, और एरिका के बगल से निकलते हुए निधि की ओर बढ़ जाता है। कप्तान निधि के सामने खड़ा होकर उसे बैग देता है। निधि बैग को अपने हाथ में लेते ही चौंक जाती है, तुरंत सबको दिखाते हुए बैग खोलती है और बैग अंदर से खाली होता है। ये देख एरिका शिखर की ओर मुड़ते हुए उससे पूछती है, क्या मतलब है इसका। शिखर पलटकर कोई जवाब नहीं देता। कप्तान कहता है, मैंने तुम दोनों का सारा प्लान इन्हें बता दिया है, कैसे तुम दोनों मिलकर इन्हें झूठे इल्जाम में फंसाकर पैसे ऐंठना चाहती थी। ये सुन निधि और एरिका हिल जाती है। उन दोनों को ऐसा लग रहा था मानो उनका सबसे बुरा सपना सच हो गया है। दोनों को ही पता है कि इसका मतलब क्या है, सीधे जेल और उनका करियर खत्म। शिखर की हंसी उसके चेहरे पर अब साफ झलकने लगी थी। निधि कप्तान की आंखों में आंखें डाल पूछती है, आखिर क्यों दिया ये धोखा तुमने मुझे। कप्तान पलटकर चिल्लाते हुए कहता है, धोखा तुमने मुझे दिया है, बेवकूफ था मैं जो तुम्हारे इस झूठे प्यार के जाल में फंसकर ये गलत कदम उठाने जा रहा था। तुमने तो बस एक पल में ही अपना रंग बदलते हुए मेरी दी हुई अंगूठी किसी और को देकर उससे शादी की बातें करने लगी। मेरी दी हुई अंगूठी से ही किसी और को अपने प्यार के जाल में फंसाने चली थी तुम, कितनी बेशर्म हो तुम। कप्तान की बात बीच में ही काटते हुए निधि बोली, मैंने तुम्हारी रिंग किसी को नहीं दी, भरोसा करो मेरा, मैं कोई दिखावा नहीं कर रही, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुन कप्तान भी चुप हो जाता है और शिखर की ओर देखता है। शिखर के चेहरे पर हंसी देख कप्तान को सारी बात समझ आ जाती है। शिखर कुछ बोलने ही वाला होता है कि निधि उसे काटते हुए कप्तान का हाथ अपने हाथ में ले बोलती है, मेरा प्यार सच्चा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे जेल भेज दे, मगर मैं ऐसे तुम्हें नाराज नहीं देख सकती। शिखर भी ये सुन हैरान हो जाता है। आसपास खड़े सबकी नजर कप्तान पर जाती है, जिसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने शुरू हो गए थे।
कप्तान निधि का हाथ अपने हाथों में लेते हुए खुशी खुशी कहता है, मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, और उसे कसकर गले लगा लेता है। शिखर समेत वहां जो भी खड़े थे सब इन दोनों का ये रूप देख कर अचरज में पड़ जाते हैं। निधि शिखर की ओर मुड़ते अपना हाथ जोड़कर कहती है, हमने आपके साथ जो भी करने की कोशिश की वो गलत था, मगर इसमें कप्तान का कोई दोष नहीं है। मैंने उन्हें ये करने पर मजबूर किया था, आप इनके ऊपर कोई केस फाइल मत करना। कप्तान भी शिखर से कहता है, झूठ बोल रही है ये, मुझे सारा प्लान पता था, फिर भी मैंने इनका साथ देने का फैसला किया, इन्हें जो सजा मिलेगी वो मुझे भी मिलनी चाहिए। शिखर के दिमाग में एक बात चल रही थी तो दूसरी ओर दिल में दूसरी बात आ रही थी। शिखर फैसला लेते हुए कहता है, मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा तुम दोनों के नाम पर। वहां खड़ा रवि आगे आते हुए कहता है, मगर क्यों? शिखर रवि के कंधे पर हाथ रख उसे समझाता है, इन दोनों को अपनी सजा मिल चुकी है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला इन्हें जेल भेजकर, और वैसे भी जो आज हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये लोग दोबारा ऐसा कुछ करेंगे। शिखर की इस बात को सुन वहां खड़े सभी के मन में शिखर के लिए खोई हुई इज्जत वापस आ जाती है। निधि शिखर की ओर बढ़ते हुए कहती है, आप सही कह रहे हो, आज के बाद हम दोनों में से कोई भी कभी ऐसा कुछ करने का सोचेगा भी नहीं, हम दोनों को बस अपनी बाकी की जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी है। कप्तान भी आगे बढ़ते हुए बड़े प्यार से निधि का हाथ पकड़ता है और उसकी इस बात पर हामी भरता है। शिखर बगल में खड़ी एरिका की ओर देखते हुए कहता है, मगर इस चक्कर की वजह से एरिका कैसे बच पाएगी, उसको तो अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। एरिका भी शिखर की ये बात सुन उसके सामने झुक बोलती है, मुझे भी अपनी सीख मिल चुकी है, आज के बाद मैं कभी ऐसा कुछ करने की सोचूंगी भी नहीं। शिखर एरिका को उठाते हुए कहता है, तुम्हारी बातों पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं, मगर मैं सिर्फ तुम्हारे खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता, इसलिए तुम बच गई इस बार, अगली बार ऐसा नहीं होगा। एरिका भी सिर हिलाते हुए माफी मांगने लगती है। निधि भी शिखर के पास आकर उसे गले लगा शुक्रिया अदा करती है, अगर आपकी जगह कोई और होता तो ऐसा कभी नहीं करता, आपका दिल सच में बहुत बड़ा है। शिप के पास एरिका और निधि का पिकअप बोट पहुंच चुका था, दोनों उसमें बैठने ही वाले थे कि कप्तान निधि का हाथ छोड़ते हुए कहता है, जल्दी मिलेंगे, यहां से निकलते ही सीधा तुम्हारे पास ही आ रहा हूं। शिखर भी वहीं खड़ा था। पिकअप बोट में आया स्टाफ शिखर से पूछता है, आप लोग और कितने देर समंदर में रुकने का सोच रहे हो? शिखर उस स्टाफ की ओर देखता है और स्टाफ अपनी बात जारी रखता है, दूर एक तूफान आया हुआ है, इसी डर में बाकी सब भी वापस किनारे की तरफ जा रहे हैं, अच्छा होगा अगर आप लोग भी समय से पहले यहां से किनारे की ओर निकल जाएं। कप्तान आश्वासन देते हुए कहता है, हम तूफान की उल्टी दिशा में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। एरिका और निधि वहां से रवाना हो जाते हैं और शिखर वापस डेक पर पहुंचता है जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे। शिखर को आते देख अनन्या कहती है, माफी के बिल्कुल भी लायक नहीं थे वो दोनों, मेरी मानो तो सीधा जेल भिजवाना था उन्हें। शीना सामने खड़े शिखर को देखकर कहती है, तुमने जो भी किया सही किया, और मुझे नहीं लगता इस पर और बात बढ़ाने का कोई भी फायदा है। ये सुन अनन्या एक तीखी नजर से शीना की ओर देखती है। बबीता भी खड़ी होते हुए कहती है, हमें वापस चलना चाहिए, एक पे एक मुसीबतें आई जा रही है लगातार इस पार्टी में। शिखर अपनी बाहें फैलाते हुए कहता है, हम पार्टी करने आए थे, पार्टी करके ही जाएंगे, जितनी भी मुश्किलें थी सब टल चुकी है, आज रात पार्टी करेंगे और फिर कल वापसी। तभी रवि भी वहां आता है और बोलता है, हाँ मुझे भी यही लगता है, खासकर अभी जो हुआ उसके बाद टेंशन फ्री होने के लिए एक पार्टी तो बनती है। रवि की नजर वहीं खड़ी बबीता पर पड़ती है जो उसकी ओर ही देख रही थी। रवि मन ही मन सोचता है, सही मौका है ये माफी मांगने का, बबीता अब तक शांत हो चुकी होगी। रवि बबीता की ओर बढ़ ही रहा होता है कि बबीता नजरें फेरते हुए शिखर को देखती है। शिखर समझ जाता है कि बबीता क्या कहना चाहती है और शिखर रवि को रास्ते में रोकते हुए ही कहता है, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, और रवि को वहां से ले जाता है। शिखर अपने कमरे में रवि को बबीता की शर्त बताता है, जिसे सुन रवि शांत सा पड़ गया था। शिखर रवि के किसी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था, उसे यही लग रहा था कि ये बात सुन जरूर रवि के मन को ठेस पहुंची होगी। और रवि के कंधे पर हाथ रख शिखर कुछ बोलने ही वाला होता है कि रवि बोल पड़ता है, उसने जो भी कहा सही कहा है, मैंने जो किया था उसके बाद मुझे इससे भी बड़ी कोई सजा मिलनी चाहिए थी, बबीता से मिली हर सजा मंजूर होती मुझे, ये तो अच्छी बात है, अब मेरे पास मौका है अपने आप को साबित करने का, अब जिस दिन बबीता मुझे अपने आस पास आने से नहीं रोकेगी मैं समझ जाऊंगा कि उसने मुझे माफ कर दिया है। रवि के चेहरे पर एक हंसी थी, मानो उसे पता था कि बबीता उसे आज नहीं तो कल जरूर माफ करेगी। ये देख शिखर भी हंसते हुए बोला, मुझे पूरा यकीन है
जल्दी वो तुझे माफ कर देगी। रात हो चली थी, सब डेक पर डिनर खत्म कर बैठे हुए थे। एक साथ डेक के जमीन पर लेटे सभी तारों से भरा आसमान देख रहे थे। सब बस इस पल में खोए हुए थे। रात का समय, ठंडी सुनहरी हवा और समंदर के लहरों की मदहोश कर देने वाली आवाज जैसे मानो सबको अपनी ओर खींच रही थी। डेक की जमीन पर लेटा रवि उठते हुए कहता है, बहुत एंजॉय कर लिया हमने ऐसे। शराब के बिना पार्टी में मजा ही नहीं आ रहा है। और कुछ नहीं तो कम से कम कोई गाना ही गा दो। शिखर और बाकी सब एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। शिखर भी उठ बैठता है और कहता है, मुझे तो गाना नहीं आता, वरना अब तक शुरू हो गया होता। अनन्या एक समय पर अपने स्कूल की बेस्ट सिंगर रह चुकी है। अनन्या को ये सही मौका लगता है शिखर को इम्प्रेस करने का और शीना को नीचा दिखाने का। वो तुरंत बोल पड़ती है, क्यों ना एक गाने का कॉम्पिटिशन हो जाए मेरे और शीना के बीच। शीना झिझकते हुए कहती है, मुझे भी गाना नहीं आता। अनन्या शीना के हाथ पर हाथ रख बोलती है, कम ऑन, मुझे भी गाना थोड़ी ना आता है, मैं तो बस एक दोस्ती में कंपटीशन की बात कर रही हूँ। ये सुन बबीता, शिखर और रवि भी शीना को मनाने की कोशिश करने लगते हैं। आखिर शीना भी सबको मना नहीं कर पाती और अनन्या तुरंत माइक लाते हुए शीना के हाथ में थमा देती है। अनन्या मन ही मन हंसते हुए शीना की ओर देखने लगती है। आखिर सबके सामने मजाक जो उड़ने वाला था शीना का। शीना माइक को अपने होठों के पास लाती है और अपनी आंखें बंद कर एक धुन के साथ गाना शुरू करती है। शीना का गला सुरीला था और गाते हुए एक अनोखी सुरीली आवाज आ रही थी। सुनते ही पल भर में मानो शिखर और बाकी सब खो गए। बेफिक्र होकर अपनी सारी चिंता भुला बस शीना की आवाज में मदहोश हुए जा रहे थे। अनन्या भी शीना के गाने में इतना खो गई थी कि अपने सारे प्लान भुला दिए मानो एक पल के लिए। शीना की गाना खत्म करने के बाद भी कुछ देर बाद सबको होश आए। शिखर जो चुपके से शीना का गाना रिकॉर्ड कर रहा था, उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हें तो कॉन्सर्ट्स करने चाहिए, तुम डीजे के साथ गाना भी क्यों नहीं शुरू करती। ये सुन शीना मानो किसी सदमे में चली जाती है। वो सारी बातें जो वो हमेशा के लिए भुलाना चाहती थी उसके सामने आ जाती है। उस महिला का फोन, वो अतीत, उसे लगता है कि आज वो राज सबके सामने निकल ही जाएगा जिसे छिपाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था। क्या था शीना का राज? क्या होगा जब सबके सामने आएगा ये राज? जानने के लिए सुनते रहिए मिलेनियर डिलीवरी बॉय।